हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएसटी। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड क्लास टेंथ के मैथ्स का, जिसका टाइटल दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। रेस्ट ऑफ द जो वीडियोस होंगे वो एक्सरसाइज बेस्ड होंगे इस चैप्टर के। तो यहाँ पर जो है हम टाइटल पर पहले देखेंगे, यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और पेयर दिया गया है। ठीक है, तीन चीजें हमें यहाँ पर टाइटल में सीखने हैं पहले। ठीक है, यानी टॉपिक का नाम जो है पहले लीनियर पेयर है, लीनियर इक्वेशन, इसके साथ साथ जो है टू वेरिएबल्स और तीसरा इसमें है पेयर। इन तीनों पर जो है हम डिस्कशन करेंगे पहले। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको हम कहते हैं, वेरिएबल के ऊपर जिसको जो है पावर वन होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहां पर जो है यानी हाईएस्ट पावर क्या होगा, वेरिएबल के ऊपर वन होगा, उसको हम लीनियर इक्वेशन, यानी यहाँ पर जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे उनके जो है वेरिएबल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर जो होगा वो वन होगा, उसको यानी लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिस तरीके से हमने किया यहाँ पर जो है 5y+1, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है वाई के ऊपर पावर क्या है, वन है, हाईएस्ट पावर वाई है, वाई के ऊपर पावर वन है। अब यहाँ पर जो है टू वेरिएबल्स का कहा गया है। टू वेरिएबल्स क्या है, यहां पर जो है जो इक्वेशन हम लेंगे, जिस तरीके से यहां पर 3x+4y+6=0, ये जो यहां पर मैंने लिया, ये जो है यहां पर दो वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, यानी एक वेरिएबल यहां पर जो है x है और दूसरा वेरिएबल जो है y है। तो यहां पर जो हमें जो भी हमें इक्वेशंस होंगे वो जो है हमें दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस होंगे। और यहां पर पेयर कहा गया है। ठीक है, पेयर का मतलब होता है टू, यानी यहां पर जो भी इक्वेशंस हमें दिए होंगे वो जो है दो दो होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है जिस तरीके से 2x+5y+6=0, दूसरी इसी तरीके से होंगी, एग्जाम्पल के तरीके से हम लेंगे यहाँ पर 6x+4y+9=0, ये जो है इस तरीके से हमें पेयर्स होंगे। ठीक है, पेयर्स का मतलब दो दो इक्वेशंस हमें यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होंगे हमें, यहाँ पर जो है वेरिएबल्स हमें दो होंगे। इसमें इस टॉपिक में जो भी हमें जो है यानी इक्वेशंस देखेंगे वो जो है दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस होंगे, और पेयर होंगे यानी दो दो इक्वेशंस इकट्ठे होंगे। तो यहां पर जो है फर्दर देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, जनरल इक्वेशन किस तरीके से हम लेते हैं, पहली वाली अगर पेयर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर में हमें लेना है, तो यहां पर जो है एक तो आएगा यहां पर a1x+b1y+c1=0, ये हो गई एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नेक्स्ट वन इज a2x+b2y+c2=0। तो यहां पर आप देख रहे हो जो यहां पर कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, चाहे यहां पर कोफिशिएंट्स की बात करें, चाहे यहां पर ये कोफिशिएंट्स की बात करें, यहां पर आपको कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। यहां पर आएंगे ये c1 c2, ये हो गए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद जो है अब इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तीन तरीके के मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उनको तीन तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो है उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। सेकंड वन जो है सबस्टिट्यूशनल मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा जो है एलिमिनेशन मेथड है। तो ये तीन मेथड्स हैं जब भी हमें जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। ठीक है, वहां पर जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है, किस तरीके से जो है हमें वो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है सॉल्व करने होंगे। ये तीन मेथड्स हैं ठीक है, जिनके जरिए से जो है हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है सॉल्व करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल मेथड और तीसरा जो है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर क्या होते हैं ये मेथड्स, ये हम जो है डीपली पढ़ेंगे। पहले जो है ग्राफिकल मेथड उठाएंगे। ग्राफिकल मेथड किस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको देखते हैं, उसके बाद जो है हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड देखेंगे और बाकी। तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड में आपको जो है तीन कंडीशंस दिए होंगे ठीक है, जिस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होंगे। पहली जो कंडीशन है इसमें आपको जो है कोफिशिएंट जो a1 और a2 ये जो है बराबर नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ये बराबर नहीं होंगे ठीक है, ये जो है यानी a1 बाय a2 और b1 बाय b2 कोफिशिएंट जो है इनका रेशियो जो है इक्वल नहीं होगा, तब उस केस में हम कहेंगे ये जो है यहाँ पर जब ग्राफ ड्रा करेंगे वहां पर जो है इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा होगी ठीक है, कौन सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पर जो है या इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो वहां पर बनेगी। तो ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पर होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा ठीक है, एक ही सॉल्यूशन इसका होगा। तो वन सॉल्यूशन, तो ये जो है पहला। इसके बाद दूसरी कंडीशन है इसमें, जिसमें क्या होगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, ये जो है तीनों इक्वल आपस में होंगे इनके रेशियोज। तो यहां पर उस केस में हम क्या कहेंगे, ये कौन सा होगा को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन बनेगी वहां पर ठीक है, को इंसिडेंट लाइन बनेगी। और यहां पर जो है इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इनको हम अभी देखेंगे क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनेगी ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है। तीसरा इसमें क्या होगा a1 बाय a2 तो बराबर होगा b1 b2 के बराबर ठीक है, बट c1 बाय c2 जो है इक्वल नहीं होगा ठीक है। उस कंडीशन में ग्राफ कैसे शो होगा, वहां पर पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस। तो यहां पर जो है इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा ठीक है। तो यहां पर जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वहां पर बनेगी। तो यहां पर जो है ऐसे जो है ड्रा होगा, यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ठीक है, इस कंडीशन में जो है ऐसा ग्राफ होगा। जब इस ग्राफ को देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन अगर हमने ड्रा की ठीक है, दूसरी इसी पर सुपर इम्पोज होंगी, तो इस तरीके से जो है कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। और पैरेलल लाइंस को आपको पता ही है ठीक है, वो जो है आपस में मीट नहीं होंगे, इस तरीके से होंगे इस केस में। तो अब यहां पर देखेंगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी मदद से देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है इसको करते हैं ठीक है। तो यहां पर जो है हम स्टार्ट करते हैं, इसके एग्जाम्पल एक लेते हैं। ये यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या है, हमें x प्लस 4y इक्वल टू 8 टू x माइनस 4y इक्वल टू 16। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा ग्राफ बनेगा, क्या यहां पर जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्या यहां पर पैरेलल लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस, वो पहले चेक करते हैं ठीक है। तो यहां पर जो है आपको पता है यहां पर कोफिशियंट क्या है, 1 है ठीक है, जिसका कुछ नहीं होता है वहां पर 1 है, तो यहां पर कोफिशियंट 1 है। तो इसके बाद जो है नीचे a2 जो है वो क्या है 2 यहां पर, उसके बाद यहां से आप देखें यहां पर जो है ये 4 है इस साइड b2 और b1, और b2 क्या है -4, b2 -4, जिस तरीके से यहां पर b2 है यहां पर क्या आ रहा है b2 -4, क्योंकि हमने यहां पर पॉजिटिव लिया ठीक है, इन जनरल इक्वेशन में पॉजिटिव है, अगर माइनस होगा माइनस आपको लेना ही है वहां पर। तो यहां पर -4, तो आप यहां पर कैंसिलेशन करिए, 1r यहां पर 1r, तो यहां पर ये जो है आपस में इक्वल नहीं है, तो यहां पर -1 आ रहा है ठीक है। तो यहां पर जो है इस कंडीशन में कौन सी लाइन बनेगी, यानी ग्राफ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस जहां पर जो है उनका एक कॉमन पॉइंट होगा।
तो ये जो है यहां पर वही लाइन, दैट इज ए वन इक्वल टू ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, वो क्या होती है अभी हमने देखा, तो वहां पर जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है इसको ग्राफिकली देखते हैं क्या यहाँ पर जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, इसके जो है पहले हमें एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं, तो वो कैसे करेंगे, आप ऐसे बॉक्सेस बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक्स वाई, पहले हम जो है फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन को अगर यहाँ पर जो है हम एक्स को जीरो देंगे, एक्स को अगर जीरो देंगे यहाँ पर आप देखिए एक्स को जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें जीरो प्लस फोर वाई इक्वल टू एट, दैट इज वाई इक्वल टू एट बाई फोर, ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, वाई इक्वल टू यहाँ पर आएगा फोर वन आर फोर टू आर, सो वाई का वैल्यू तब आता है हमें टू। अब अगर हम जो है इसी को जीरो लेंगे, ठीक है, वाई को ही जीरो लेंगे, तो यहाँ पर तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो एक्स किसके बराबर डायरेक्टली आएगा एट के बराबर, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो है हमें कोऑर्डिनेटर्स ये मिले, ठीक है, जब हम ड्रा करेंगे हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से जो है पॉइंटर्स वहां पर देंगे। तो दूसरा ये है हमें, ठीक है, इसमें हम जो है पुट करेंगे, तो अगर हम एक्स को वैल्यू जो है क्या देंगे टू, और यानी एक्स को जीरो देंगे, ठीक है, एक्स को अगर वैल्यू जीरो देंगे तो ये टर्म तो सारी जीरो बन गई, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटीन, वाई इक्वल टू यहाँ पर आएगा सिक्सटीन डिवाइड बाई माइनस फोर वन आर यहाँ पर फोर आर, तो हमें आ गया वाई इक्वल टू माइनस फोर, तो यहाँ पर माइनस फोर आएगा हमें इसमें। तो दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको जीरो देंगे, वाई को ही जीरो देंगे, ठीक है, तो y को जब हम जीरो देंगे तो वहां पर क्या आएगा हमें, ये टर्म तो सारी जीरो हो जाएंगी, तो बचा खाली 2x इक्वल टू 16, ठीक है, जब ये सारी टर्म जो है वहां पर जीरो बनेगी, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 16 आ गया, तो यहाँ पर जो है x इक्वल टू 16 बाई 2, 2 1 आर 2 8 आर, तो यहाँ पर आ गया हमें 8 इसमें, तो इस कंडीशन में जो है 8 आ गया, उसमें जो है हमें 8 उसमें भी आ गया, ठीक है, तो बट ठीक है माइनस एट नहीं आए उसमें, हाँ पॉजिटिव एट आ गया, ठीक है, खाली हमें जो है नेगेटिव वैल्यू एक ही है। अब यहाँ पर जो है इसको ड्रॉ करते हैं, या तो आप जो है ग्राफिकली जो है इसको ड्रॉ करिए, ग्राफ पेपर लीजिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर मैं जो है डायरेक्टली दिखाऊंगा ये, देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आप कैसे करेंगे ग्राफ करेंगे ड्रा, तो यहाँ पर आएगा हमें ऐसे, यहाँ पर इसको वाई, यहाँ पर एक्स, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया ओरिजिन जीरो, यहाँ से लेंगे, ठीक है, हमें जाना है एट तक, तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, यहाँ से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट एंड माइनस नाइन, उसके बाद यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन। अब यहाँ पर पहला आप देखिए, यहाँ पर एक्स जीरो है तो एक्स जीरो ही है, ठीक है, यहाँ पर और वाई का दिया गया है टू, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर जीरो कॉमा टू इस पॉइंट को देंगे, उसके बाद एट एक्स है वाई जीरो है, तो यहां पर आएगा वो पॉइंट, ये जो है एट कॉमा जीरो, उसके बाद यहां पर जो है आप देख रहे हो जीरो, यहां पर एक्स जीरो है और माइनस फोर, तो जीरो और माइनस फोर जीरो माइनस फोर, ये कोऑर्डिनेट है यहां पर,
यहाँ पर 8 और 0 वो तो यहाँ पर ही आएगा दोनों को, तो आप इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, इस तरीके से ही आ रहा है ठीक है। यहां से भी इसको क्योंकि सेम है एक पॉइंट, तो आप यहां पर देख रहे हो जो हमने कंडीशंस पहले ही देखे थे, तीन कंडीशंस वहां पर जो हमें पहले ही शो हो रहा था कि यहां पर जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ठीक है, यहां पर एक पॉइंट सेम आ रहा है। तो इस कंडीशन के जरिए से यहां पर जो है हमने देखा कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इसकी, यहाँ पर जो है ये कट हो रहा है इस जगह पर ठीक है। तो जब आप ग्राफ पर बनाओगे ग्राफ पर जो है एग्जैक्ट आपको जो है स्ट्रेट लाइंस आएंगे वहां पर, और आप जो है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ से हैंड से ही बना रहे हैं ठीक है, इस वजह से अप डाउन इसके लाइंस में हो गया ठीक है। एग्जैक्ट जब आप लाइंस बनाओगे ग्राफ पर तो वहां पर एग्जैक्ट आपको स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर जो है आपको एग्जैक्ट कट आएगा ठीक है। वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख रहे हो दोनों जगहों पर कॉमन जो है 8.0, 8.0 जो है दोनों जगहों पर सेम आ रहा है ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो हमने देखा वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो देखते हैं वो क्या होता है ठीक है। नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, देखिए वही एग्जांपल्स लेंगे, एक्स प्लस 4y इक्वल टू क्या था 8, नेक्स्ट थे 2x माइनस 4y इक्वल टू 16, इस तरीके से ये दो इक्वेशंस हमने ली थी। यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रखेंगे फर्स्ट, इसको जो है सेकंड रखते हैं ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकालेंगे, एक में जो है x का वैल्यू फिर वो पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में ठीक है। तो वहां से जो है हमें वैल्यू निकलेगा x का, उसके बाद जो है y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x फ्रॉम फर्स्ट ठीक है, क्या है फर्स्ट हमें x प्लस 4y इक्वल टू 8 ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 8 माइनस 4y इस तरीके से आ गया। इसको यहाँ पर शिफ्ट किया हमने, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन थी, यहाँ आके जो है वो नेगेटिव साइन बनेगी। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम रखेंगे थर्ड, तो क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड ठीक है, इक्वेशन टू। तो यहाँ पर है वो, तो x जहां पर आएगा वहां पर हमें ये वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर जो है 2, इसमें x है तो इस x की जगह क्या करना है पुट 8 माइनस, वेट करिए मैं चेक करता हूँ नीचे आ रहा है नहीं, नीचे नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर करेंगे फर्दर, तो यहां पर जो है हमें क्या आएगा, ऐसे हमें फर्स्ट सेकंड हमें ऐसी इक्वेशन है ठीक है 4y इक्वल टू 16, तो यहां पर 2 x की जगह क्या करना है 8 माइनस 4y, सो यहां पर 8 माइनस 4y, बाकी सारा सेम रखना है, खाली हमें x का वैल्यू पुट करना था इसमें ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड हमने किया वहां पर, तो इसको मल्टीपल करते हैं 2 8 आर 16 माइनस 2 4 आर 8 y माइनस 4y इक्वल टू 16, ऐसे आ गया हमें ठीक है। ये जो है उस साइड शिफ्ट करते हैं, सो 8y यहां पर आप डायरेक्टली इसको प्लस करोगे ठीक है, माइनस साइन तो माइनस की ही रहेगी और यहाँ पर जो है इन दो का प्लस हो जाएगा तो वो 12y हो गया। उस साइड लेंगे इसको 16, यहाँ पर माइनस 16 माइनस 12y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ये जो है 0 आएगा जब डिवाइड हो जाएगा इसका ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से y का वैल्यू हमें 0 आ गया। अब जो है x का वैल्यू देखते हैं, x का यहां पर जो है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन ली थी हमने तो उसमें हम जो है पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y ठीक है, सॉरी y x नहीं y का। तो यहां पर जो है
x इक्वल टू 8 माइनस 4y, तो 8 माइनस 4y है, ठीक है। तो फर्दर यहां पर करते हैं, x तो ऐसे ही रहेगा, 8 भी ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा। y की जगह हमें कौन सा वैल्यू पुट करना है, जो y का वैल्यू निकला वो 0 आ गया, तो यहां पर x इक्वल टू 8 माइनस 0, x इक्वल टू 8, तो x का हमें वैल्यू 8 आ गया और y का जो है 0 आ गया, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर जो आपको पुट करना है ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। अगर वो इस साइड के बराबर आता है तब हम कहेंगे हमारा रिजल्ट ठीक है। चेक करते हैं, देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकला हमें 8, और y का वैल्यू क्या निकला यहाँ पर 0 आएगा इसका, और यहाँ से 8, तो ये सारी टर्म 0 बन गई, तो 8 इक्वल टू 8, तो दोनों साइड से इक्वल आ रहा है, दैट इज हमारा जो है जो वैल्यूज निकले वो करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसको इसके बाद जो है अब एक और मेथड रहता है, वो कौन सा है, इलिमिनेटिंग मेथड, वो देखेंगे। अब इसमें जो है लास्ट वाला मेथड रह जाता है, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें जो है हम एक वेरिएबल को जो है इलिमिनेट करते हैं, इलिमिनेशन के बाद जो है हम जो है दूसरे वेरिएबल का जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में जो है उस इलिमिनेटिंग का जो हमने वेरिएबल किया था, ठीक है, उसको भी जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से इसको करते हैं, यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन दो हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पर देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहां पर हम करेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सिंपली हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा एक्स प्लस 4y इक्वल टू 8, इसके नीचे लिखेंगे ये 2x माइनस 4y इक्वल टू 16, इनको ऐड करोगे आप, यहां पर x है यहां पर 2x है, कितने हो गए 3x, तो यहां पर तो 3x आएगा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस 4y, यहाँ पर -4y, तो दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर y का जो है यानी वेरिएबल नहीं रहा। यहाँ पर जो है इन दो को प्लस करेंगे, यहाँ पर आएगा हमें 24, तो यहाँ पर 24 आ गया। इसके बाद जो है फर्दर यहाँ पर क्या रह गया हमें 3x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24 बाई 3, 3 1 r 3 8 r, तो x का वैल्यू हमें जो है 8 आ गया। तो x का वैल्यू 8 आ गया, अब इनमें से किसी में ये पुट करेंगे, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमें x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह हमें 8 डालना है, तो 8 प्लस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, ये उस साइड शिफ्ट करेंगे, 4y इक्वल टू 8 माइनस 8, सो y इक्वल टू या 4y इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। जब आप इसको उस साइड ले जाओगे 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 ही आता है, डेट मीन्स y का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या आएगा 0। तो इसके साथ ही जो है ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जिसमें जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1।